दर्शको नमस्कार। खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से, जहां संपन्न हुई माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य मासिक महाआरती। जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर स्थित मां अम्बे पार्टी लान में संपन्न हुई माता आदिशक्ति की महाआरती। उक्त दिव्य महाआरती कार्यक्रम योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी भव्यता के साथ संपन्न कराया गया, जहां उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उपस्थित मां भक्तों को संगठन की विचारधारा के प्रति जानकारी दी, संबोधित किया। अंत में सभी ने बड़े भक्तिभाव से शक्ति जल एवं प्रसाद ग्रहण किया। अंत में जिलाध्यक्ष योगेन्द्र तिवारी के द्वारा उपस्थित सभी मां भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। महाआरती क्रम के पश्चात लोगों को 25 व 26 फरवरी 2023 को प्रयागराज में होने वाले महाशक्ति शंखनाद शिविर के लिए आमंत्रित किया गया, उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी से अधिक संख्या में पहुंचकर महाशक्ति शंखनाद को सफल बनाने में अपना सहयोग सुनिश्चित करने की बात कही गई। आइए देखें दिव्य कार्यक्रम की एक झलक और जाने वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। Oh,
बढ़ते हैं उस दिशा प्रार्थी की ओर। कुछ श्लोकों का उच्चार होगा, उसके पश्चात हम सभी माधक परम पूज्य गुरुवर को माँ जगदम्बा माँ की सुनता को संपन्न करेंगे। आशीर्वाद मिलता है, प्यार भी मिलता है, हमारे भाई सहयोग करते हैं और करते हैं, हमारी बहनें भी स्नेह प्यार देती हैं, तभी तो हम चल पा रहे हैं। हमारे भाइयों को सहारा भी मिलता है और बहनों को सहारा मिलता है, इसलिए हम लोग कार्य करते हैं। इलाहाबाद के शिविर में हम चलते चलते जितना कार्य कर सके, जितने लोगों को पहुँचा सके, हम लोग वह कार्य कर रहे हैं और करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम अपने भाई बहनों से यही निवेदन करते हैं कि गुरबत के कारण भी हमारे जीवन ठहराव न आए, हम अपनी क्षमता की छोड़ी न करें, तत्पर हम तैयार रहे कि कब हमारा गुरबत का निर्देश आ जाए, कहाँ हमें जाना है, हमारे कौन भाई हमें कब आदेश दे दे, हमारे बहन में फुलावा आ जाए, वहाँ हम तैयार रहें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने को छोटा न समझे, हम गुरबत के शिष्य हैं, गुरबत की क्षमता को हम पहचाने। हम जब गुरबत की क्षमता को पहचान लेंगे तो हम अपने को छोटा नहीं समझेंगे। खड़े में ऐतिहासिक महाशक्ति सरदार, इसमें गुरुवर हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक शुभ अवसर जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, एक ऐतिहासिक महासंगना। यह संगना द्वितीय संगना जो गुरुवर द्वारा प्रथम संगना सिद्धार्थ धाम में संपन्न हुआ, द्वितीय संगना प्रयागराज की धरती में संपन्न होने जा रहा है। गलतियां होती है तो ऊपर से ऐसे शक्तिशाली होते हैं जो सभी को मानने की सकता है। पूर्व तहसील अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह के द्वारा पूर्व महादी में कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जिसके माध्यम से श्री बहादुर सिंह जी व लखपत सिंह जी व श्री राम कुमार द्विवेदी जी वर्णी जी कृष्णी जी ये तीन लोगों को संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। उनसे किसी भी प्रकार का मतलब लोग नहीं रखेंगे। श्री बहादुर सिंह जी व लखपत सिंह जी, राम कुमार द्विवेदी कृष्णी जी, ये नरवर तहसील के पूर्व पदाधिकारी भी है, इनसे किसी भी प्रकार का कोई मतलब हम नहीं रखेंगे और किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। नहीं जिस प्रकार से इन लोगों से संबंध रखेंगे, जिस जैसे इनसे व्यवहार किया जा रहा है, इसी प्रकार से नियम उनके लिए व्यवहार होंगे। इसलिए वे सभी से निवेदन करते हैं कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उनसे संबंध नहीं रखेगा। अगली जानकारी शिविर में सब लोग अपने बोलने में सारे की व्यवस्था लेकर के जाएंगे, समय से पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम सभी माँ भक्तों को देखिया, हम सभी माँ भक्त एकत्रित होकर के माँ की साधना आराधना करते हैं। इतना बड़ा परिवार हम सभी माँ भक्तों को देखिया, कहते हैं कहीं भी जाते हैं हमारी कोई गुरु बहन नहीं मिलती है, भाई नहीं मिलता है, तो लगता है कोई अपना नहीं मिला। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा अनंत प्रेम की वह गंगा बहाती है, इस गंगा को कोई भी संगठन नहीं बहा सकता।
जाता है क्योंकि हमें त्रिवेणी का वास है। आज त्रिवेणी नगरी में हमारे परम गुरु भगवान आ रहे हैं तो वह कितनी पावन नगरी हो जाएगी। हम सभी माँ बाप ने कितने गोते लगाएंगे कि उस परम गुरुदेव भगवान के चिंतन को सुन करके हम अपना जन्म ये जन्म तो संभाल ही लेंगे। पता नहीं आने वाले कितनी पीढ़ियां हमारी तक जाएंगी। ये हम सभी माँ बापों को जब महसूस होगा जब हम परम गुरुदेव भगवान के उस संगम नगरी तक पहुंचेंगे। कानपुर नगर की हो गई दिव्य आरती के दिन तक माता अधिशक्ति जगदन्नी जगदम्बा उनके साथ शुद्ध रूप से विराजमान इस धरती के सर्वशक्तिमान निश्वर स्वामी सच्चिदानंद के अवतार परमहंस योगीनाथ श्री सतगुरु जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हुआ इस महाआरती प्रांगण में उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों का प्रांत के पदाधिकारियों का जिले से आए पदाधिकारियों का सम्मानित टीम प्रमुखों का नए आने वाले भक्तों का सभी को दिल से सम्मान करता हुआ सभी से जय माता की जय गुरुवार की। गुरुवार का शिविर 25 और 26 फरवरी को महाशक्ति संघ का आपके जीवन में एक परिवर्तन आया था। लोगों के घरों में दुख दर्द है, नशे में पीड़ित है, दिक्कतों में ग्रसित है, उनके घरों में भी विषमता है। आज से संकल्प लेकर जन जन को बताने का प्रयास करेंगे कि गुरुवार गरीबों के मसीहा तुम्हारे भाग के परिवर्तन करने वाले 25 और 26 फरवरी को संगम परेड ग्राउंड इलाहाबाद में पहुंचना है। जो नशा करते हो, किसी दिक्कतों में ग्रस्त हो, तीन प्रमुख पदाधिकारी सभी का यह दायित्व कर्तव्य है कि जन जन को बताकर उनको 25 और 26 फरवरी को पहुंचाना है। नए कार्यकर्ता 15 तारीख से जो जा रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जाकर वह पटकाने को अपने सम्मानित करेंगे। जो बाद में समय पे जाएंगे जो उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी जैसा प्रांतीय और केंद्र पदाधिकारी आपको निर्देशन देंगे उनके साथ काम करेंगे। अब आवश्यक कार्यकर्ता बैठक शिविर संबंधी जो हमारे बीच के राष्ट्रीय सचिव प्रांतीय प्रभारी प्रांतीय मेगा शाखा की सभी पदाधिकारी उपस्थित है। शिविर की बहुत विशेष महत्वपूर्ण बैठक है। सभी लोग शक्ति जय प्रसाद लेकर अभिनंदन इस प्रांगण में उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से जय माता की जय गुरुवारी। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।